स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स आ चुका है और लगभग ये पूरे एक साल का करंट अफेयर्स है और इसमें जो इम्पोर्टेंट है जैसे बिहार करंट अफेयर्स की ये पूरी मैगजीन आई हुई है तो इसमें हम लोग जो फटाफट 100.com है उसको हम लोग देखेंगे ताकि हमारा बिहार का जो पोर्शन है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बीपीएससी बिहार पुलिस सिपाही जो अभी होने जा रहा है जिसके लिए हम लोगों ने 10 मॉडल सेट भी लॉन्च कर दिया है, हमारे ऐप पे लाइव है और उसके अलावा जो बिहार की जितनी भी परीक्षा लाइक यार टीचर एग्जामिनेशन भी होने वाला है वो सब कुछ आपका सारे करंट अफेयर्स आपका इसमें कवर्ड हो जाए। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। टोटल 100 फैक्ट्स है इसमें, वन लाइनर पॉइंटर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए क्योंकि बिहार करंट अफेयर्स आपका इसमें पूरा कवर्ड हो जाएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं और वीडियो के साथ बने रहिएगा। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है तो इस पर हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो भी कर रखा है ऑलरेडी, है ना, जिसमें हम लोग अभी जीके जीएस का जो फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके पूरे प्लेलिस्ट के वीडियो को देख सकते हैं। वो भी जितने भी आगामी एग्जामिनेशन है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बिहार में 33.76% आबादी गरीब है, ठीक है। तो ये आपको हमारा जीके जीएस फाउंडेशन में भी डिटेल्ड आपको वीडियोस मिल जाएगा तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बाढ़ मेडिकल काउंसलिंग गठित करने का फैसला किया, बिहार करंट अफेयर्स है तो ऑब्वियस ही बात है कि बिहार ही होगा। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का योजना जो है वो बिहार सरकार ने लिया है। मई 2023 में किस नगर निगम में भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की है तो वो है पटना नगर निगम। पटना नगर निगम ने मई 2023 में भारत की पहली डिजिटल करेंसी जारी की है। और अगर पटना नगर निगम से क्वेश्चन और बनता है कि अभी करंट में वर्तमान में पटना नगर निगम की महापौर या मेयर कौन है तो वह है सीता साहू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एनटीपीसी नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला कौन बना, पहला एनटीपीएस यानी कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला राज्य हमारा बिहार, ठीक है। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी गई है तो यह पहली जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है यह यूनिवर्सिटी जो है यह पटना में इसकी आधारशिला रखी गई है। यह सब कुछ हमने अपने जीके जीएस में भी कंप्लीट किया था बट यहां पर असेंबल्ड वे में है, सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में है तो यह ज्यादा आसान होगा इसको क्लियर करना, गो थ्रू करना। साथ ही साथ मैंने पहले बताया कि जीके जीएस का फाउंडेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, मौसम मोबाइल ऐप, यह अगर क्वेश्चन आता है तो बिहार बना, ठीक है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की है, यह बिहार ने किया है। किस देश की सरकार ने अपने यहां लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है, यह जाम्बिया ने अपनाया है। यह जाम्बिया की सरकार ने हमारे बिहार की ये जो सबसे प्रतिष्ठित योजना थी जिससे जो लड़कियों में शिक्षा की लय को अलग को जगाने के लिए जो किया गया था मुख्यमंत्री साइकिल योजना, है ना, जिसमें साइकिल वितरण प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा था, वो जाम्बिया की सरकार ने, जाम्बिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को अपनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य ने की है, बिहार ने की है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया तो यह मुजफ्फरपुर, वन हेल्थ लैब यह मुजफ्फरपुर में किया गया। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लिंगला, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, दो तीन क्वेश्चन दो तीन चीजें यहां से क्लियर होगी। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली भारत की पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी तो सविता महतो, ये बिहार की है, ठीक है। लिंगला पे साइकिलिंग करने वाली पहली महिला तो वो है सविता महतो, बिहार की। पुलिस में महिलाओं की अधिक भागीदारी के मामले में बिहार का कौन सा राज्य है, पहला राज्य कौन है भारत का तो वह बिहार। अभी हम लोग देख रहे हैं मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत भी कि महिलाओं को बल दिया जा रहा है, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है ताकि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं खास करके पुलिस में, है ना, पुलिस महकमे में महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जो जितने भी महिलाएं हैं वो एज अ पुलिस
एज ए पुलिस अपनी ड्यूटी दे सके और राज्य की जो है बागडोर अपने हाथों में ले सके। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है कि पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के लिए के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है, तो वह है बिहार। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया, तो यह है बड़ौनी। पेप्सी बॉटलिंग प्लांट कहां शुरू किया गया है, तो बड़ौनी। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला गैंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू में, ठीक है। पहला गैंडा प्रजनन के एवं संरक्षण केंद्र कहां बनकर तैयार हुआ है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। आपको सभी का आंसर तो पटना बिहार होगा, ठीक है, या फिर बिहार के कोई डिस्ट्रिक्ट होंगे। आपको खाली ये याद रखना है, जैसे यहां पे मैंने बोला कि भारत का पहला गैंडा प्रजनन, तो दिमाग में आपको बिहार या पटना, ठीक है ना। खाली आपको ये फैक्ट्स देखना है, ये जो वन लाइनर है वो देखना है। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहां खोला गया, तो ये मुंगेर में। भारत का दूसरा और बिहार का पहला कहां खोला गया, तो मुंगेर में वानिकी कॉलेज। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहां किया जा रहा, तो यह वैशाली में किया जा रहा है। बौद्ध स्तूप का निर्माण कहां किया जा रहा, तो वैशाली में किया जा रहा है। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी उद्घाटन किया था रिसेंटली, है ना, हम लोगों ने देखा भी था, काफी ज्यादा न्यूज में भी था। रबर डैम कहां किया गया है, तो गया जी डैम की लंबाई कितनी है, तो 411 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है कि एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाए। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम, ये देश का सबसे लंबा रबर डैम है और ये कहां, तो इसका नाम क्या है, तो गया जी डैम है। 411 मीटर इसका लेंथ है, लंबाई है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहां बनेगा, पटना में बनेगा। काम के खोज के लिए बिहार से जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो बिहार। काम के खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है, पहला तो आपका उत्तर प्रदेश है। काम की खोज में जो बाहर जाते हैं वो सबसे पहले आपके उत्तर प्रदेश और सेकंड पे आपका बिहार है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया होगा, शायद टाइपिंग एरर है, क्या काम के खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले, यहाँ पे हो सकता है अपने राज्य से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो सही रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहां बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोगों ने भी एक वीडियो इसके लिए बनाया था कि दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहां बनने वाला है, तो ये वैशाली बिहार में बनने वाला है। भारत का पहला पावो म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है, पावो म्यूजियम कॉम्प्लेक्स पटना में बन रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा एक से एक के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, मतलब बिहार सबसे प्रथम स्थान पे बिहार है। क्लास वन में पढ़ने वाले बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में पूरे हिंदुस्तान में, तो वो है बिहार में। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, दीदारगंज। प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, दीदारगंज पटना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में प्रथम, अब अगर ये बिहार में प्रथम, ये दूसरा टॉपिक है, ये भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, तो बिहार में प्रथम बिहार का पहला बैडमिंटन अकेडमी कहाँ खुलेगा, बैडमिंटन अकेडमी, फर्स्ट बैडमिंटन अकेडमी ऑफ बिहार कहाँ खुलेगा, तो भागलपुर होगा इसका करेक्ट आंसर। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है, इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर, ODF प्लस ओपन डिफिकेशन प्लस मॉडल प्रखंड, ठीक है ना, ओपन डिफिकेशन प्लस मॉडल, ODF का फुल फॉर्म है ओपन डिफिकेशन, जो खुले में शौच होता है उसके लिए लगाम लगाया जा रहा है ना, सरकार बहुत सारी योजनाएं उसके लिए ला रही है, तो इसके लिए मॉडल प्रखंड घोषित किया गया इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर को, ठीक है, यहां पे सबसे कम ओपन डिफिकेशन है, तो ये मॉडल प्रखंड किसको घोषित किया गया, तो इस्माइलपुर भागलपुर, इस्माइलपुर प्रखंड ब्लॉक भागलपुर। अच्छा, एक और चीज है कि हमें ये जो खाली यहां पे डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखना है, अगर यहां पे इस्माइलपुर प्रखंड है तो इसको भी याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था कि बिहार में तैरता हुआ पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट से क्वेश्चन था, यही BPSC में, तो कहां किया गया है, तो दरभंगा उसका करेक्ट आंसर होता, सभी को पता है, लेकिन दरभंगा में कहां किया गया यह पूछ दिया था, दरभंगा के चार ऑप्शन मोहल्ले में थे, चार मोहल्ले जो है ऑप्शन में थे, तो उसका जो कादिराबाद मोहल्ला होता वो करेक्ट आंसर होता। तो उसी तरीके से हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा इनडेप्थ पढ़ाई करना है यहां पे, अगर इस्माइलपुर है तो इसको भी हमें याद
रखना है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला? समस्तीपुर वन द फर्स्ट प्राइज फॉर जल जीवन हरियाली। ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला? तो वह समस्तीपुर। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा? तो वह मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल है ना, कहाँ खोला जा रहा? तो मुजफ्फरपुर में वन्य जीव अस्पताल। बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बाबरचक गांव। ये कहाँ पे है? बांका। बांका खाली याद नहीं रखना है, बाबरचक गांव भी याद रखना। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज है ना, स्मार्ट सिटीज हम लोग सुनते थे कि फलाना स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ढिकाना स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट आया। तो स्मार्ट विलेज के रूप में बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बाबरचक गांव बांका, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरा 100 टॉपिक्स को 100 वन लाइनर्स को यहां पे करवाया जा रहा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल का निर्माण कहां किया जा रहा है? पटना। दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो पटना। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहां बनाया जा रहा है? तो यह मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा ब्लड बैंक। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहां बनाई जा रही है? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा हिसुआ नवादा, ठीक है, हिसुआ नवादा में बनाई जा रही है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां बनाई जा रही है? तो हिसुआ नवादा में बनाई जा रही है। बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई? अररिया जिला के बथनाहा से, याद रखना है, अररिया जिला के बथनाहा से, ठीक है, अररिया जिला के बथनाहा से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? बिहटा में। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? बिहटा में। आईआईटी कहां है? तो बिहटा में, यह भी याद रखने वाली चीज है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहां खोला जा रहा है? बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहां खोला जा रहा है? ये जीपीओ पोस्ट ऑफिस जो है पटना का, जो सेंटर है, जो हब है पूरे पटना का, स्टेशन के पास है, पटना जंक्शन के पास है, वहां खोला जा रहा है बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र। ठीक है, पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहां शुरू किया गया? तो ये पटना में शुरू किया गया। ठीक है, कहां शुरू किया गया? पटना में शुरू किया गया। बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिला में शुरू हुई? तो ये नालंदा में शुरू हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक विधि, हाइड्रोपोनिक सिस्टम से पत्तेदार सब्जियों की खेती, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार की पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहां की गई? तो हाजीपुर वैशाली में। बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहां बनाया गया जा रहा है? पटना में। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज काइंड ऑफ डेवलपमेंट किया गया है ताकि जो फल और सब्जी हो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट आराम से किया जा सके, कोई दिक्कत ना हो, आवागमन ट्रांसपोर्टेशन आराम से किया जा सके और सब्जियों को ताजा रूप से रखा जाए ताकि सब्जी खराब ना हो, फल खराब ना हो, तो ये पटना में किया गया है। गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा संख्या भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है? ये पक्षी जो है एक्सटिंक्ट हो रहा है, ठीक है ना, और इसकी संख्या जो है सबसे सर्वाधिक कहां है? बिहार में है। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? देखो, दो क्वेश्चन यहां से बन गया और दोनों इंपॉर्टेंट है, गरुड़ से दो क्वेश्चन बन गया। बिहार पहला राज्य है, बिहार वही राज्य जहां पे गरुड़ की संख्या सबसे ज्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ गरुड़ आर फाउंड इन बिहार, तो बिहार के किस जिले में? तो ये भागलपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिहार का पहला साइबर थाना कहां खोला गया है? पटना में खोला गया है। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? पूर्णिया। हाथी पांव जो फलेरिया बीमारी जो हम लोग सुनते हैं उससे जोड़ने वाला है ना, फलेरिया मरीजों को दिव्यांगता मानी फिजिकली डिजेबल्ड में जोड़ने की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो वह है पूर्णिया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतरोही द्वारा बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी झा द्वारा बनाया गया। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण
किया जाएगा, पूर्णिया में किया जाएगा, चौथा एयरपोर्ट है ना, अभी इसकी अनाउंसमेंट हुई है और बहुत जल्दी इसमें हाथ भी लगेगा इस काम के लिए। तो ये चौथा एयरपोर्ट होने जा रहा है ये पूर्णिया में, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है? सोन नदी में। सोन नदी में निर्देश दिया गया है कि घड़ियाल के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया गया है, कहां पे? सोन नदी में। बिहार का दूसरा एथेनॉल प्लांट मोतीपुर मुजफ्फरपुर, ठीक है, दूसरा एथेनॉल प्लांट कहां पे? मोतीपुर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बिहार का दूसरा एथेनॉल प्लांट, ठीक है। पहला हम सब जानते हैं, कमेंट करके बताइए, पहला पावर प्लांट, पहला इथेनॉल प्लांट, सॉरी पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में है, कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए। दूसरा हो जाएगा मोतीपुर मुजफ्फरपुर, पहला आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहार दिवस 2023 की थीम क्या थी? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, है ना, यूथ पावर बिहार का डेवलपमेंट, इस पे हम लोगों ने फोकस किया था। बिहार दिवस 2023, बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट करके बताइए, ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके बताइए। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पर 5 रुपये का नया टिकट जारी किया है? मुजफ्फरपुर का शाही लीची, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है? तो ये बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? थावे गोपालगंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? पटना में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन। ब्रेल लिपि क्या होता है कि जो ब्लाइंड होते हैं उनकी पढ़ने की एक लिपि होती है, उसके थ्रू वो लोग लिख और पढ़ सकते हैं, तो ये ब्रेल लिपि के द्वारा जो है पटना जंक्शन पे मैप लगाया गया है ना, तो ये पटना जंक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहां खोला जाएगा? तो पटना बीटा में। बेटा कहां है? तो पटना जिले में है, ठीक है, पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा सहरसा। लक्ष्मी झा से दो क्वेश्चन है। लक्ष्मी झा अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का भी रिकॉर्ड लक्ष्मी झा के हाथ में है, और एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला भी लक्ष्मी झा सहरसा, ये पर्वतारोही है, ठीक है, सहरसा की है, पर्वतारोही है। 100% हर घर जल का, हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? अरवल जिला, 100%, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी, हर घर नल योजना, हर घर नल का जल योजना, तो ये अरवल जो है इसने टॉप किया है 100% घरों में हर घर नल जल का पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? ये 1 जुलाई 2022 से हम लोग सबको जानते हैं, ठीक है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2023 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? तो ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा, पंचवर्षीय काइंड ऑफ योजना है चौथा कृषि रोड मैप, ठीक है। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा? पटना हवाई अड्डा, 5G का सुविधा दिया जा रहा है, अल्ट्रा फास्ट, पटना हवाई अड्डा, पटना एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट यानी कि जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? गंगा जल आपूर्ति योजना सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना है। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया? प्रत्येक शनिवार। क्या प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे है, बैग लेके नहीं जाना है। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? पटना में किया गया है, बिहार का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाने जाने की घोषणा की गई है? पूर्णिया। पहला डॉपलर रडार कहां लगाया गया, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार, तो पहला डॉपलर रडार कहां लगा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। दूसरा का आंसर होगा पूर्णिया। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? चौपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चौपाल OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्टेंट देखते हैं, लाइक Amazon Prime, Netflix है ना, हॉटस्टार, ये सारे जैसे OTT
OTT प्लेटफॉर्म से, उसी तरीके से भोजपुरी का पहला OTT मतलब रीजनल लैंग्वेज में पहला OTT चौपाल। अभी हम लोगों ने देखा था रिसेंटली कि IPL में जियो सिनेमा ने रीजनल कमेंट्री भी चालू किया था, जिसमें भोजपुरिया कमेंट्री ने गर्दा उड़ा दिया था एकदम, है ना। सबसे ज्यादा चर्चा IPL से भी ज्यादा चर्चा रवि किशन की कमेंट्री की हो रही थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट है जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन जिसमें 25,000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है वो पटना में बनाया जा रहा है, ठीक है। बिहार का पहला पानी में, देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया, यही क्वेश्चन BPSC में पूछा गया था जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे कि बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां बनकर तैयार हो गया, तो ये दरभंगा, और पूछ दिया था क्वेश्चन में डेप्थ से, ठीक है, मोहल्ले का नाम तक, तो कादिराबाद होता है इसका करेक्ट आंसर, कादिराबाद दरभंगा इसका करेक्ट आंसर होता। मलबड़ी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहां खोली गई है, पूर्णिया, कहां खोली गई है, पूर्णिया, और सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसे कहा जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC में पूछा गया, सिल्क सिटी ऑफ बिहार, मलबड़ी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहां खोली गई, तो पूर्णिया में। बिहार में कहां राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, तो ये फतुहा में। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहां खोला गया, तो अररिया में, है ना, जैव विविधता पार्क कहां खोला गया, अररिया में। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है, पटना में। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जा रहा है, तो जू सफारी राजगीर, ये आप लोग अगर गए होंगे राजगीर तो जू सफारी में आपने देखा होगा कि जो आपके साथ गाइड होते हैं बैठे हुए हर चीज आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो वही यहां पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया, तो जैसे ही आप लोग जू सफारी में बैठोगे तो जो गाइड होंगे, है ना, वो आपको गाइड करते हैं कि हाँ ये, हाँ ये है, यहाँ ये है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये व्याख्यान बनाया गया है, पहला पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान जू सफारी राजगीर। आगे बढ़ते, सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक बार रिवीजन भी हो रहा होगा, आप लोगों को क्लियर भी हो रहा होगा काफी सारी चीज। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ, 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में किस पेविलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ। बिहार को इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना, नालंदा, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, ये पूरा कंप्लीट डेटाबेस बनाया गया नालंदा में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट के लिए। बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे, हमेशा मुख्यमंत्री होंगे, ये फैसला ही लिया गया है, बिहार कैबिनेट का ही ये फैसला है कि खेल प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है, तो कटिहार में, बिहार में सबसे ज्यादा किस जिले में किया जा रहा है, तो कटिहार में सरोवर, अमृत सरोवर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, और इसके तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है, तो कटिहार में। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जा रहा है, तो जैतिया गांव पटना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहां शुरू किया गया, तो ये बड़ौनी में किया गया। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरे जो इन टू इन प्रोसेसेस होते हैं, है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होते हैं, उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ये योजना है सरकार की, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना। इसके तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बड़ौनी में शुरू किया गया है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां खोला गया, भागलपुर में। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहां होगी, है ना, गोवंश विकास संस्थान की स्थापना पटना में। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ों का ऑडिट कराया गया, अरवल जिले के पुलिस के द्वारा पेड़ों का भी ऑडिट कराया गया। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहां की जाएगी, डुमरांव बक्सर। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहां किया जाएगा, कोइलवर भोजपुर। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट कब प्रारंभ की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई, 15 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई, ठीक है। बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहां निर्मित किया जा रहा है, तो गया में किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब लागू किया जा रहा है? तो 2022-23 से लेके 2026-27 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चला गया? ऑपरेशन प्रहार। इससे भी बहुत बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो बार से तो पूछा ही गया है। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो 151 किलोमीटर। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है? तो 135 लीटर। ठीक है। बिहार का पहला फोर लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक? तो औरंगाबाद पटना दरभंगा। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहां किया गया? तो IGIMS पटना। ठीक है, IGIMS पटना। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउंस में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये चंदन कुमार सिंह मुंगेर। ठीक है, बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम करके। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? बोधगया। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची यानी कि 111 फीट लंबी प्रतिमा बनने जा रही है, स्थापित होने जा रही है, कहां पे? सासाराम में। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 को कहां से की? वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से मुख्यमंत्री ने समाधान यात्रा की शुरुआत की थी। बिहार का पहला रिवर सफारी कहां शुरू किया गया? यह आपका शुरू किया गया कैमूर में। ठीक है, पहला रिवर सफारी कहां शुरू किया गया साथियों? तो कैमूर में किया गया। तो यह था पूरा 100 out of 100 जिसमें हम लोगों ने पूरे बिहार का ओवरऑल करंट अफेयर्स पिछले एक साल तक का पूरा कंप्लीट किया। और जितने भी आगामी एग्जाम है, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी आगामी एग्जाम है, बिहार टीचर एग्जामिनेशन हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको नजरअंदाज करना बिल्कुल बेमानी सी होगी। तो इसको आप लोग फॉलो कीजिए। साथ ही साथ जीके जीएस का पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच हम लोग अपने यूट्यूब पे भी चला रहे हैं, बिहार सिपाही के लिए क्रैश कोर्स हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे लाइव है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।